बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार नौ वर्ष की जुदाई के बाद दोनों स्वरूपों का मिलाप होता है, कैसे श्री देवचंद्र जी के अंतर्धान के पश्चात बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है, किस प्रकार मिहिर राज जी के मन में सुंदर सात की सेवा की भावना आती है, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में तालमेल कैसे बैठाया जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए, मिहिर राज जी वो करके दिखाते हैं। कैसे सुंदर सात की सेवा की भावना को लेते हुए उत्सव रसोई भंडारा और वाणी चर्चा का आयोजन करने का भाव मन में लेते हैं और बिहार जी की कृपा से उन्हें नजरबंद में जाना पड़ता है, कैसे वहां पर वाणी अवतरित होती है, किस प्रकार एक वर्ष के पश्चात वहां से वाणी को लेकर के जब आते हैं तो बिहारी जी की कृपा से वाणी सुंदर सात तक नहीं पहुंच पाती है और अब नौतनपुरी से श्रीजी साहेब जूनागढ़ जाते हैं राजकीय कार्य के बहाने से, और वहां किस प्रकार हरिजी व्यास के मन में वो अहम होता है, वह अहंकार की भावना होती है, अब उस अहंकार को किस तरह से तोड़ते हैं, उस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। कल अंतिम में हमने सुना कि श्रीजी ने कांजी भाई से कहा, आप उनकी सेवा करो, उन्हें जीवित करो, उन्हें ठीक करो, और जब वो ठीक हो जाए और मैं जब चर्चा सुनाऊं तो वहां पर तुम साक्षी रहना कि हरजी व्यास जी आपने ये बात कही थी, आपने ये बात कही थी कि जिसको मैंने हाँ कहा उसे ना कहने वाला और जिसे ना कहा उसे हाँ कहने वाला कोई नहीं हुआ है, तो आप वहां साक्षी रहना। अब कांजी भाई ने श्री जी का आदेश पाया, अब वे हरजी व्यास की सेवा करते हैं। इससे पहले नौकरी कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ चाकर के रूप में थे, अब वो सेवा करते हैं। सेवा और नौकरी में ऐसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक नौकर भी काम करता है, एक सेवक भी काम करता है, एक नौकर भी परिश्रम करता है, एक सेवा करने वाला व्यक्ति भी परिश्रम करता है। बाह्य परिणाम की दृष्टि से सेवा और काम में कोई अंतर नहीं है, सेवा और नौकरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल एक ही फर्क है, वो फर्क है भाव का। भौतिक कार्य में और आध्यात्मिक कार्य में फर्क केवल भावनाओं का होता है। जैसे भाव हो तो वह चरणामृत होता है और भाव ना हो तो वो केवल जल होता है। भाव हो तो मिठाई प्रसाद बन जाती है और भाव ना हो तो प्रसाद भी मिठाई ही है। इसी तरह से काम को सेवा भावना बनाती है। यदि हृदय में भाव ना हो तो परिश्रम तो दोनों एक जैसे ही करते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे बड़े बड़े घरों में आजकल पति पत्नी दोनों जब काम करने लगते हैं, कमाने जाते हैं, तो घर का खाना बनाने के लिए बाई रखा होता है, मेड बोलते हैं, तो खाना बनाने के लिए वो आती हैं, खाना बना करके चले जाती हैं, और वो जैसे रोटी बनाना हो तो गिनती की रोटियां बनाती हैं। घर पे अगर तीन लोग खाने वाले हो तो हिसाब करेंगी कि चार की है 12, तो 12 रोटी बना देंगी, 13 भी रोटी वह नहीं बनाएगी। गलती से आटा ज्यादा गूंथ गया तो अलग बात है, अन्यथा जितनी रोटी गिन करके उनको बताई गई है उतनी ही रोटी बनाएंगी।
और अगर किसी दिन पति पत्नी दोनों नौकरी पर नहीं गए हैं, बेटा भी समय पर उठा है, और उन तीन में से किसी एक को थोड़ी भूख ज्यादा लगी है, रोटी थोड़ी कम पड़ जाती है, और सर्वेंट अभी वहीं पर है, मेड बाई वहीं पर है, और उसको कह दिया जाए कि दो रोटी और बना देना। अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लग जाएंगी कि कितना खाते हैं सबसे पहले तो, और अगर खाना ही था तो पहले बता देते हैं। मन ही मन बात करेगी, ऐसे नहीं बाहर नहीं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, लेकिन वो सोचेगी कि देखो इनकी वजह से मुझे दूसरे घर पे भी जाना है काम करने के लिए, मैं लेट हो जाऊंगी, आटा दोबारा गूंथना पड़ेगा, बेलन चकला सब मैंने भिगोने में डाल दिया, दोबारा धोना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग तरह की बातें दिमाग में घूमेंगी, मजबूरी में बना करके दे देंगी, और कभी कभी तो मना भी कर देंगी कि नहीं साहब अब मुझे दूसरे घर पे जाना है, वहां पर भी टाइम होता है, आपको अगर खाना था तो पहले बताना चाहिए था। कई बार यहाँ तक की भी बात हो जाती है। और वहीं एक माँ अगर खाना बना रही हो, जितना आटा गुथा गया है उतना खत्म हो जाए, और उसके बाद भी बेटा कहे कि दो रोटी और खानी है, तो माँ खुशी खुशी बनाएगी, वो तो खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे को आज ज्यादा भूख लगी है, मेरा बेटा ज्यादा खा रहा है, मेरा बेटा स्वस्थ हो रहा है, इस तरह से। तो सेवा में और काम में बस इतना सा ही फर्क है। यहां पर पहले नौकरी करते थे, और जब नौकरी करते हैं ना तो होता क्या है, जैसे सामान्य रूप से मजदूर आते हैं काम करने के लिए कहीं पर भी, चाहे ज्ञानपीठ में हो चाहे बाहर हो, यदि वो काम कर रहे हैं तो वो धूप के हिसाब से करेंगे कि कब धूप तक चली जाए और कब हम चले जाएं, सूर्यास्त के साथ में हमें भी निकलना है, सुबह भी आएंगे तो उसी हिसाब से आएंगे। और यदि वही अगर सेवा की बात हो तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि धूप चली गई है और अब हम भी चले जाएं, आज की तो दिहाड़ी का हिसाब तो हो ही गया है, आज तो रजिस्टर में नाम चढ़ ही गया है, ऐसा नहीं होगा। जहां सेवा करेंगे वहां पर देखेंगे कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम नहीं उठेंगे। तो कानजी भाई अब तक नौकरी कर रहे थे, खाना बना देते थे, अब खाने का मन है तो खा लें, नहीं खाने का मन हो तो न खाएं, जो कुछ उपलब्ध होता था वही बना देते थे। लेकिन जब श्री जी ने कहा कि नहीं इनको आपको स्वस्थ करना है, क्या पता इनके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, क्या पता इनकी आत्मा को जागृत होना है, तो अब उन्होंने सेवा करनी शुरू की। पहले खाना बना करके रख दिया, खाए ना खाए पूछते नहीं थे, अब तो बाजार से या फिर खेत से जाकर के ताजी ताजी सब्जियां तोड़ करके लाते हैं, देखते हैं कि इस बीमारी में ये वाली सब्जी ज्यादा सही रहेगी, इसमें ये वाली चीजें ज्यादा अच्छी होगी, तो ऐसे ताजी ताजी सब्जियां ला करके बनाते हैं, बड़े प्यार से थोड़ा और करके खिलाते हैं, और इस प्यार से वो सेवा करते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और व्यास जी कहते हैं, हरि जी व्यास, कि कांजी भाई कोई मुझे 1,000 रुपया भी दे देता तो मैं इतना खुश नहीं होता, आज से 400 साल पहले 1,000 रुपये की कीमत आज के 1,00,000 रुपये से ज्यादा। पर कहते हैं कि कोई 1,000 रुपया भी दे दे तब भी मैं उतना खुश नहीं होता जितना मैं तुम्हारी तरकारी की सेवा से, तरकारी मतलब सब्जी, अवधि भाषा का शब्द है, तो कहते हैं कि जितना मैं तुम्हारी सब्जी की सेवा से खुश हुआ हूं, तुम्हें कुछ भी मांगना हो मांग लो। कांजी कहते हैं कि व्यास जी अभी तो मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, किसी दिन अगर ऐसी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। इस तरह से एक दिन बीता, दो दिन बीता, धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और अब कहते हैं, पुनः पूछते हैं कि कांजी मैं तुम्हारा कोई तो काम आऊं, कुछ तो बताओ तुम, तुम्हारी क्या इच्छा है। कांजी भाई कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर एक साधु आए हुए हैं,
आप उन्हें ज्ञान चर्चा सुनाइए। अब हरिजी व्यास को और अधिक खुशी होती है। देखिए होता क्या है, जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, वक्ता, गायक या कोई भी जिनको मंच पर सामने प्रस्तुति देने की आदत हो, उन्हें किसी के भी सामने परफॉर्म करना, प्रस्तुति देना बहुत अच्छा लगता है। बोलने वाले को बस बोलने का मौका मिलना चाहिए, सुनने वाले खुश मिजाज होने चाहिए, खुश होकर के एकाग्रता पूर्वक सुनने वाले होने चाहिए। गाने वालों को या फिर कहानी, कविता, शायरी इत्यादि कहने वाले को बीच में वाह कह देने वाला चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें पैसे भले थोड़ा कम दे दो, लेकिन वाह वाह ही ज्यादा चाहिए, प्रशंसा ज्यादा चाहिए होता है। अब व्यास जी ने तो पूरे जीवन भर यही काम किया था कथा कहने का, तो अब वो और खुश होते हैं। कहते हैं, शाबाश कान जी तुमको, क्या तुम मांगिया मुझसे, एक ते राजी किया सेवा मिने, फिर चर्चा सुनाने की। तुमने सेवा से भी मुझे खुश किया और ये जो चर्चा सुनाने की इच्छा जाहिर की उससे भी तुमने मुझे खुश किया। बताओ वो साधु कहाँ पर है, मैं उन्हें चर्चा सुनाऊंगा, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अब कान जी ने आकर के श्री जी से कहा कि श्री जी साहब, अब सारी परिस्थिति अपने अनुकूल है, अब आप मिलने जा सकते हैं। उन्होंने श्री जी और हरिजी व्यास की मुलाकात करा दी। अब हरिजी व्यास ने सारी बातें पूछी, हाल खबर पूछा, और उसके बाद कहते हैं कि हे साधु, महात्मा जी आपने बहुत अच्छा किया कि आप मेरे पास आ गए, मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा, और जिस ग्रंथ की आप चर्चा सुनना चाहें मैं आपको उसकी चर्चा सुनाता हूँ। और रहने के लिए भी अपने पास ही जगह दे दी, अपने बगीचे में एक जगह थी रहने की, वहीं पर ठहराया और भागवत की कथा वो सुनाने लग गए। अब भागवत की कथा श्री जी कितने दिन सुनते हैं, 2 महीने। कह रहे हैं, सुनत मास 2 हुए, 2 राजी भय मगन। अब दोनों मगन हैं, श्री जी भी एकाग्रता पूर्वक चर्चा सुनते हैं, व्यास जी तो और खुश हैं कि मुझे तो सुनाने को मिल रहा है, कहां तो मर रहा था, कहां मैं ठीक हुआ, और ठीक होते ही भागवत सुनाने को मिला। तो वो अब मगन होकर के कथा सुनाते हैं, और 2 महीने बाद कथा करते करते एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग होता है, एक हीरे का ऐसा मंदिर है जो कि 84 लाख योजन का है। और ये कथा इस प्रकार की आती है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण, बलराम और अर्जुन भी वहां पहुंचे हुए थे, सब बैठे होते हैं। एक ब्राह्मण आता है कृष्ण जी के दरवाजे पर और आकर के भला बुरा कहने लगते हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि उनके ना कुछ बच्चे पैदा होते ही मर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब उस देश का राजा पापी हो। जिस देश का राजा पापी होता है वहां लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अल्पायु में ही मर जाते हैं। ऐसा कह करके वो कृष्ण जी के को भला बुरा कहने लगते हैं। अब अर्जुन से वो सहन नहीं होता है, तो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपका जो अगला बच्चा होगा उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब अर्जुन ने प्रयास किया जब अगला बच्चा होने वाला था, और प्रतिज्ञा ले ली कि अगर मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। अब अर्जुन ने प्रयास तो किया, लेकिन अब अगर मृत्यु किसी की होनी है तो कोई कैसे रोक सकता है, कोई कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कोई किसी की मृत्यु को कैसे रोक सकता है, अब वो भी मृतक ही पैदा होता है। तो अब वो आत्मदाह करने की जो प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो अपना प्रण पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि इन बच्चों को वापस लेकर के आते हैं, और वापस लेकर के कहाँ से आना है, तो प्रसंग जो है उसमें तो भूमा पुरुष कहा गया है, वास्तव में नारायण जो है उसी को भूमा पुरुष कहा गया है, क्योंकि समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है नारायण से और नारायण में ही समा जाते हैं,
वास्तव में तो ये एक ऐसा कथानक है और उस कथानक के माध्यम से जो समझाना चाह रहे हैं वो बात ये है कि समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है नारायण से। अर्जुन को लेकर के कृष्ण जी आगे आगे चलते हैं, तो आगे कैसे चलते हैं? योग बल के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये स्थूल शरीर नारायण के पास लेके नहीं जा सकते, ध्यान के द्वारा चलते हैं। और इस बीच में जो निराकार का घना अंधकार आता है उसमें लिखा है कि कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अंधकार को काटा है। सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व का बना हुआ है और वहाँ सुदर्शन चक्र कौन सा है? ज्ञान रूपी सुदर्शन है जो अज्ञानता के अंधकार में रास्ता दिखाने वाला है। और उस भूमा पुरुष का, उस आदि नारायण का वर्णन करते हुए वहां पर 84 लाख योजन के हीरे के मंदिर की बात की गई है। और वास्तव में वो क्या है? अव्याकृत में जो सुमंगला पुरुष है, वास्तव में तो अव्याकृत का जो प्रतिबिंब है वही मोह सागर में जब पड़ता है तो वो स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाते हैं। अब होता क्या है, इस कहानी के माध्यम से प्रतिबिंब को दिखा करके बिंब के बारे में संकेत किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप सब अभी मेरी तरफ देख रहे हैं, पीछे अगर शीशा लगा हुआ है जो किसी एंगल में है, किसी विशेष कोण में है, छत पर जहां बल्ब लगा हुआ है उसके पीछे की तरफ जिस पर आप देख नहीं पा रहे हैं वहां कुछ लिखा हुआ है या कोई नक्शा बना हुआ है, आप उस ओरिजिनल को नहीं देख सकते, लेकिन पीछे जो शीशा है उस पर आप उसके प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं। अगर मैं उस प्रतिबिंब को दिखाऊं आपको कि देखिए इस प्रतिबिंब में, तो उस प्रतिबिंब को देख करके आप किसके बारे में सोचेंगे? जो बिंब है उसके बारे में, जो मूल है उसके बारे में, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है अव्याकृत अथवा योग माया अखंड, और जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है वो है नारायण। तो उस कथानक के माध्यम से हमें उस अखंड की तरफ संकेत किया गया है कि नारायण का जो मूल स्थान है, अर्थात जो प्रतिबिंब पीछे दिख रहा है वो नारायण है और मूल जो है बिंब दिखाई पड़ रहा है वो अव्याकृत है, उसके बारे में संकेत किया गया है। अब ये जो 84 लाख योजन की बात करते हैं, तो श्री जी ने पूछा अब कि ये जो इतना बड़ा हीरे का मंदिर आप बता रहे हैं ये किसका स्थान है? तो कहते हैं कि ये जो जगह है वो तो शास्त्रों में लिखा है कि ये अक्षर का स्थान है। अब अक्षर तो कौन है? परब्रह्म के सत अंग का स्वरूप अक्षर है। जो अक्षर है वो अखंड है। अब श्री जी ने प्रश्न पूछा कि अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि ये जो जगह है अक्षर का आप ठौर बता रहे हैं, ये जगह कहाँ पर है? शास्त्र में क्या लिखा है? ये जगह ऊपर है या नीचे है, कहीं अंदर है, बाहर है या ब्रह्मांड से परे है, कहाँ पर है? क्योंकि अब इतने दिनों से भागवत में आप कह रहे हैं कि 5 तत्व 3 गुण और जो प्रकृति है उन सब का तो नाश हो जाता है महाप्रलय में, तो आप बताइए कि जो अक्षर की ठौर है वो कहाँ पर रहती है? आप हमसे जरा सा भी अंतर मत कीजिए, आप हमें कोई भी बात मत छुपाइए और ये बताइए कि अक्षर की जगह कहाँ पर है। अब व्यास ने जवाब दिया कि ये जो जगह है ये आदि नारायण की जगह है और शास्त्रों में लिखा है कि ये खीर सागर में, खीर नहीं क्षीर सागर में। श्री जी ने कहा कि अगर ऐसा है क्षीर सागर में तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पाताल में है। उस दृष्टि से देखा जाए तो 14 लोक के ब्रह्मांड में आ गया और महाप्रलय में कहते हैं ए महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, तीनों गुण सहित ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता है अगर क्षीर सागर में, तो वो तो समाप्त हो जाएगा। तब व्यास जी झुक करके कहते हैं कि आप मुझे क्या पूछ रहे हैं, जब शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है तो मैं क्या उत्तर दूं आपको? और ऐसा कहते हुए वो क्योंकि थोड़े नाराज हो गए जब उनको उत्तर नहीं आया, क्रोध जो है वो कमजोरी का लक्षण होता है। आप देखेंगे कि
अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी विषय में तर्क कर रहे हैं, यदि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट से बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण हैं, तो आप शांति से उसकी बात का उत्तर देंगे। और अगर आपके पास तर्क कम है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप ऊंची आवाज में बोल करके उसकी बात को दबाने का प्रयास करेंगे। जो ज्ञान से जितना खोखला होता है वो उतना ही ऊंची आवाज में बोलता है, जबकि इस संसार में आवाज की कीमत नहीं होती है, कीमत होती है शब्दों की। अगर आप जोर से कोई बात चिल्ला करके बोल दें और वो बात झूठ हो, और कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से शालीनता से सत्य बोले, कीमत किसकी है? केवल जोर से चिल्लाने की तो नहीं है। अब व्यास जी क्या कर रहे हैं, चिल्ला करके उनको, क्योंकि क्रोध आया, उन्होंने अपने जो आचार्य थे जिन्होंने पुराण इत्यादि लिखे उनको वो गाली देने लग गए, भला बुरा कहने लग गए कि इनको कुछ नहीं पता इस तरह से। अब कानजी भाई पास में हैं, वो सुन रहे हैं, उनके मन में कुछ और सूझा, वो श्री जी से कहते हैं कि श्री जी साहब थोड़ी सी अक्षरातीत की भी बात पूछ ली जाए। तब कानजी ये कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत हैं, सुने उनके मुख विख्यात। आप अब क्षर अक्षर की तो थोड़ी बात हो गई, आप परमात्मा की भी बात पूछ लीजिए, अक्षरातीत की भी बात पूछ लीजिए। श्री जी को जोश आया हुआ है, क्योंकि उन्हें तो अहम को तोड़ना है। वो जोश में कहते हैं कि ए तो थका क्षर में शुद्ध नाही अक्षर, अक्षरातीत की तिनको ए क्या देवे उत्तर। कि ये तो क्षर ब्रह्म की बात करते करते थक गए, जब इन्हें क्षर का ही नहीं पता तो अक्षर की बात कैसे बताएंगे, और अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है। जब इन्होंने इस तरह जोश में कहा श्री जी ने, अब व्यास जी की सुधबुद्ध गई और श्री जी कहते हैं कि हरि जी व्यास, तुम्हारे मन में जो अहंकार था उस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं आपके पास आया, क्योंकि तुमने अंत समय में ये वचन कहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी अंतिम अवस्था चल रही है, तुमने अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर के ये कहा कि जिसको मैंने हाँ कहा उसे ना कहने वाला, और जिसको मैंने ना कहा उसे हाँ कहने वाला कोई भी नहीं हुआ है। और जो परमात्मा है, परमात्मा कभी भी किसी का अहंकार नहीं रहने देते, किसी का भी, किसी भी दृष्टि में, चाहे वो अहंकार ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विद्वत, चाहे रूप का हो, चाहे पद का हो, किसी चीज का भी अहंकार नहीं रहने देते। कहते हैं जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है वो सबसे पहले अहंकार को तोड़ते हैं। यदि कहीं हमारे अहंकार को ठेस कोई पहुंचा रहा है किसी भी दृष्टि से, तो हमें समझना चाहिए कि हम पर परमात्मा की कृपा हो रही है। वरना सामान्य इंसान क्या होता है, इंसान को सबसे ज्यादा अहंकार प्रिय होता है, जिसको वो तथाकथित रूप से इज्जत का नाम देता है कि इंसान को इज्जत बहुत प्यारी होती है। वास्तव में वो अहंकार ही है। और यदि कोई व्यक्ति मनुष्य के अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब व्यास जी कहते हैं कि हे भक्त, हे भक्तराज, मैंने तो ऐसे ही कहा था वो, क्योंकि शायद अगर मैंने वैसा नहीं कहा होता तो आप तक मैं नहीं पहुंच पाता, आप मुझ तक नहीं पहुंच पाते, और आपने मुझे बता दिया कि मैं तो एक कुएं के मेंढक की तरह था। कैसे था मैं? एक गुलर का पेड़ होता है, यही सामने लगा हुआ है। कहते हैं कि एक गुलर के पेड़ में बेसुमार फल लगे होते हैं, और हर फल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े होते हैं। एक फल के कीड़े को अपने अपना जो फल होता है, जिस फल में वह रह रहा होता है, वही उसके लिए पूरी दुनिया है। उससे बाहर कोई फल है कि नहीं उसको पता ही नहीं। मैं भी उसी गुलर के कीड़े के समान था, मुझे दूसरे फलों के बारे में पता ही नहीं था। मैंने अपने सामने सभी पंडितों को जीता, किसी से भी नहीं हारा, लेकिन
आज मुझे पता चला कि मैं तो एक गुलर के पेड़, गुलर के फल के कीड़े के समान था। आज मैं अपने ज्ञान के सभी हथियार आपके आगे डालता हूँ और ये स्वीकार करता हूँ कि आपको मेरे अहंकार को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। अब जो सही रास्ता है वो आप मुझे बताइए। इसके बाद श्री जी ने उन्हें परमधाम की चर्चा सुनाई, जागृति का प्रयास किया। जितना उनका अंकुर था उतना उन्होंने लाभ लिया। फिर उनसे अलग हो करके, अब हरिजी व्यास का साथ छोड़ करके, उनसे विदा लेकर के श्री जी नौतनपुरी आते हैं। देखिए, एक हरिजी व्यास हैं, उनको प्रबोधित करने के लिए श्री जी ने अपना 2 महीना लगाया। ये धैर्य दिखाता है कि ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के लिए अगर हम ये सोचें कि एक दिन में कोई व्यक्ति आपसे ज्ञान सुनकर के तारतम ले लेगा तो ये उचित नहीं है। जब श्री जी साक्षात अक्षरातीत होकर जब वो मिहिर राज थे तब भी 12 वर्ष की उम्र में कानजी भट्ट को उन्होंने चुप करा दिया था ऐसे ही प्रश्नों से। वो चाहते तो पहले ही दिन हरिजी व्यास को निरुत्तर करा सकते थे 2-4 प्रश्न पूछ करके, लेकिन उन्होंने जो किया हमें रास्ता दिखाने के लिए किया है कि आगे आने वाले सुंदर साथ जो ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के रास्ते पर चलेंगे उनके लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे सुंदर साथ जब नए जगह पर कार्यक्रमों के लिए जाते हैं तो उनके मन में यह होता है कि फलाना व्यक्ति तारतम ले ले। अगर कुछ दिन तक चर्चा सुनते हैं, मैंने कई सुंदर साथ को ऐसे देखा है कि मान लो कि मैं उनके घर में जाता हूँ, रुकता हूँ, कोई व्यक्ति लगातार अगर उनके घर पे चर्चा सुनने आ जाता है तो वो बार बार कहने लगते हैं कि आप तारतम कब ले रहे हो, आप तारतम कब ले रहे हो, जब आपको इतनी रुचि है तो आप तारतम क्यों नहीं ले लेते। इस तरह से बार बार पूछते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर उनको अंदर से बात समझ में ही नहीं आ रही है या उनकी अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं कर रही तो क्या होगा। वाणी कहती है जो लो आत्म न देवे साख तो लो प्रबोध दीजिए दसला। अगर परम नाम की ब्रह्म सृष्टि है उसे ये वाणी की बातें, वितक की बातें समझ में आ रही है और समझी हुई बात उसकी अंतरात्मा स्वीकार कर रही है कि ये जो निजानंद दर्शन का सिद्धांत है वो सत्य है, तो वो स्वयं सामने से ही कहेगा या कहेगी कि मुझे इस विचारधारा में शामिल होना है, मुझे तारतम लेना है, मुझे राज्य को पाना है। और अगर नहीं तो आप मान लो किसी को दबाव दे करके जबरदस्ती तारतम दिला भी देते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर उनके अंदर विश्वास ही नहीं है तो 2-4 दिन के बाद पुनः वो उसी ढर्रे पर दिखेंगे, किसी मूर्ति पर जल चढ़ाते हुए, किसी को परिक्रमा करते हुए, कहीं चद्दर चढ़ाते हुए दिखेंगे। और यदि वास्तव में वाणी वितक के सिद्धांत को समझ करके यदि वो तारतम जान लेते हैं तो कैसी भी परिस्थिति आए उनका ईमान नहीं डगमगाएगा। तो ये श्री जी की इस लीला से हमें सीखना चाहिए। अब विक्रम संवत 1719 में पुनः कुतुब खान गुजरात पर हमला करने के लिए आता है, क्योंकि इससे पहले 5 साल की संधि हुई थी 1714 में, जब मिहिर राज जी को नजरबंद में रखा गया था, जब वो जो वजीर था वो संधि समझौते के लिए सुलह करने के लिए गया था। उस समय उसने मोहलत मांगी थी कि हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, लेकिन दिए हुए समय तक भी जब कर नहीं चुका पाए तो कुतुब खान ने फिर उसी बहाने से, क्योंकि जितने मुस्लिम शासक थे वो तो वास्तव में लड़ने का बहाना ढूंढते रहते थे कि किसी भी तरह से इन लोगों को कमजोर करना है। कर दे रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, हमारा खजाना भरता रहेगा और कब तक कर देंगे, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि ये लोग कर देने में सक्षम नहीं होंगे। और जब कर नहीं देंगे तो इनके पास 2 उपाय बचेगा, या तो ये युद्ध करेंगे या ये इस्लाम स्वीकार करेंगे। अंततः इनका एक ही नारा होता था कि किसी भी तरह से इस्लाम स्वीकार कराना है, तो इसलिए इनकी ये चाल रहती थी। तो कुतुब खान ने अब पुनः हमला किया।
श्री जी को अंतः प्रेरणा हुई कि सुंदर सात पर कष्ट आने वाला है, सुंदर सात पर विपत्ति आने वाली है, तो वो वहां से तुरंत जूनागढ़ से नौतनपुरी आते हैं। आकर के बिहारी जी से बात करते हैं कि गुजरात पर संकट आने वाला है। बिहारी जी से बात करके जाम राजा के दीवानगिरी का वो काम संभालते हैं, मंत्री का काम संभालते हैं, ये सोच करके कि मैं राज्य की कृपा से ये विपत्ति टाल दूंगा, मैं सारा कर चुका दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन अब मूल स्वरूप को कुछ और ही मंजूर है, इसीलिए अब श्रीजी साहब ने जो निर्णय लिया है वो पूरा नहीं हो पाता है। वास्तव में तो ये निर्णय क्योंकि मिहिर राज जी का है, क्योंकि कार्य तो अलग अलग शक्ति कर रही है। ये इस लीला को हम राज्य की लीला नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य की लीला होती तो ऐसा तो नहीं होता कि उनके मन में कोई बात आती और अधूरी रह जाती। मिहिर राज जी ये चाह रहे हैं कि सुंदर सात पर कोई कष्ट ना आए, इसलिए उन्होंने वो सारा दारोमदार अपने ऊपर ले लिया कि इतने समय में कर चुका दूंगा मैं, और नहीं चुका पाए तो उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उनको अहमदाबाद में कारागार में डाल दिया गया और मृत्यु दंड निश्चित हुआ कि एक निश्चित दिन इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब होता क्या है कि कानजी भाई, जिनकी सेवा का मैंने कल वर्णन किया था, हर सेवा में वो शामिल हैं, उन्होंने सोचा कि श्रीजी साहब को बाहर निकालना है। वो जाते हैं, अब क्योंकि जेल में घर वालों से मिलने की अनुमति तो होती है, तो वो तेज कुंवर जी के वस्त्र पहन करके जाते हैं और जाकर के कहते हैं, आवाज बदल करके, वेश बदल करके, कि मुझे मिलना है। अंदर गए, जाकर के अपने असली आवाज में, अपने असली वेश में आए, असली रूप में, असली मकसद भी बताया कि मैं आपको यहां से निकालने आया हूं और आपको यहां से जाना पड़ेगा, आपको यहां से वेश बदल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कांजी को अगर कुछ हो जाता है, पहली बात तो राज्य कुछ होने नहीं देंगे, एक कांजी को अगर कुछ हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर बैठ करके जो राज्य लीला कर रहे हैं, आपसे जो जागनी होनी है, उस पर तो हजार कांजी भी कुर्बान है। अच्छा, इससे पहले दो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो श्री लालदास जीकृत बीतक में वर्णित नहीं है। वर्णित न करने का कारण यह है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, वर्णन करने वाले तो लालदास नहीं है, लालदास जी का तो तन्व है, छाप है महामती जी की, और महामती जी को वास्तव में दुनिया की किसी भी तरह की प्रशंसा स्वीकार नहीं है, लौकिक संबंध की चर्चा करना स्वीकार नहीं है, इसलिए उन्होंने लौकिक चीजों का वर्णन नहीं किया है जो उनकी दृष्टि से लौकिक थी। लेकिन क्योंकि प्रसंग को जोड़ने के लिए हमें इस उन विषय वस्तुओं को जोड़ने के लिए हमें उन दो प्रसंगों को जानना आवश्यक है, इसलिए हम दूसरे बीतकों के आधार से इस टूटी हुई कड़ी को जोड़ते हैं। क्योंकि अभी अभी प्रसंग आया कि तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहन करके गए हैं, इसलिए मैं उन प्रसंगों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेज कुंवरी कौन है किसी नए व्यक्ति को कैसे पता चलेगा। लालदास जीकृत बीतक में इसका वर्णन नहीं है, पर दूसरी बीतकों के आधार पर ये बात पूरी स्पष्ट होती है। बिहारी जी जब गादी पर बैठे थे उस समय जो नियम था, क्योंकि कल हमने चर्चा में सुना कि मिहिरराज जी दोनों वक्त प्रणाम करने आते हैं, तो दोनों वक्त प्रणाम करने आना सबके लिए अनिवार्य था। तो नौतनपुरी से लगभग 2 कोस की दूरी पर किसी सुंदर साथ का घर था, कोई किसान सुंदर साथ था। 2 कोस मतलब लगभग 6 किलोमीटर होता है शायद, अब आने जाने में कितना हो गया, 12 किलोमीटर, और अगर 2 बार आना जाना हो तो फिर तो 24 किलोमीटर हुआ। एक किसान व्यक्ति प्रतिदिन
24 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो अपना काम कैसे करेगा? अगर एक बार भी दो कोस पैदल यात्रा करनी हो तो कम से कम भी पहले के युग में अगर इंसान हट्टे कट्टे तगड़े होते होंगे तब भी 6 किलोमीटर आना 6 किलोमीटर जाना तो लगभग 2 घंटा तो लगता ही होगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ करके चलना शुरू करे 4:30 बजे तब भी घर पहुंचते पहुंचते अगर 8 बज गया और उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दिया। और किसान का तो पूरा काम सुबह का ही होता है, ज्यादातर खेतों में सुबह सुबह ही काम करते हैं। अब एक दिन दो दिन की तो बात नहीं है, पूरी दिनचर्या ऐसी ही है। तो उस सुंदर साथ ने बिहारी जी से आग्रह किया कि बिहारी जी महाराज, मैं इतने दूर से आता हूँ और मैं किसान हूँ एक, मैं दोनों वक्त प्रणाम करने आ पाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं एक ही समय आपके दर्शन के लिए आ सकूँ। बिहारी जी तुनक मिजाज व्यक्ति, तुनक मिजाज मतलब समझते हैं, छणे रुष्टे छणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छणे छणे। चाणक्य ने क्या कहा कि जो व्यक्ति क्षण में खुश हो जाता है और तुरंत ही नाराज हो जाता है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सामान्य नीति है, क्योंकि जब खुश हो जाता है, आपसे अच्छी अच्छी बात करता है, अपनी दिल की भावनाएं आप उसके सामने खोल देते हो, और गुस्सा हो जाता है तो आपका पोल वो खोल देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जो छणे रुष्टे छणे तुष्टे हमेशा दूर रहना चाहिए। बिहारी जी कुछ ऐसे ही हैं, तुनक मिजाज, जिनसे खुश हो गए 5 रुपए पाए और कह दिया कि तुम्हारी परातम परम नाम है, और जिनसे नहीं मिला उनको एक एक हफ्ते तक भूखे रखा बाहर और घुसने नहीं दिया। तो ऐसी प्रवृत्ति थी, उन्होंने उस बेचारे गरीब सुंदर साथ को कहा, किसान को, कि जाओ मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, तुम्हें दोनों बार आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुबह भी नहीं आना शाम को भी नहीं आना, तुम सुंदर साथ में ही नहीं हो। अब बेचारा किसान मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा बिहारी जी बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सुबह शाम आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन आऊंगा। अब बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया, भले ही पत्थर धूप में रह करके पिघल जाए लेकिन बिहारी जी का दिल पिघलने वाला नहीं है। उन्होंने उस किसान को अंदर आने नहीं दिया। वो सुंदर साथ कई दिन तक बिहारी जी के दरवाजे पर पड़ा रहा भूखा प्यासा। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो उनको लगा कि शायद ये मिहिर राज जी की सुन ले, तो वो गए मिहिर राज जी के घर में। उस समय मिहिर राज जी घर पर नहीं थे। मिहिर राज जी का जो प्रथम विवाह हुआ था वो हुआ था फूलबाई जी से। उस समय तो गुजरात में बचपन में ही विवाह हो जाया करता था, आज भी गुजरात में अमूमन दूसरे जगहों के हिसाब से कम उम्र में विवाह होता है। खैर अभी तो कानून बना है तो इसीलिए मिनिमम जो एज लिमिट है उसको पार करनी पड़ती है, पर कई जगह पर गुप्त रूप से कम उम्र में भी शादी कर दी जाती है नजरे बचा करके। तो उस समय कम उम्र में विवाह हो जाया करता था। तो पहली जो शादी हुई थी, पहला विवाह हुआ था फूलबाई जी से, और फूलबाई धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। सुंदर साथ में होने वाला जो एक सबसे प्रारंभिक लक्षण है, कोमलता दयालुता, ये सारी भावना उनमें थी। उन्होंने उस सुंदर साथ की अवस्था को देख करके उन्हें भोजन कराया, पानी पिलाया, आव भगत की, और फिर कहा कि मिहिर राज जी जब आएंगी तो मैं आपकी बात बता दूंगी और आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो बिहारी जी के सामने सिफारिश कर देंगे। अब ये चुगली किसी ने पहुंचाई बिहारी जी के सामने कि आपने जिस सुंदर साथ का प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मिहिर राज की पत्नी ने अपने घर में शरण देकर के उन्हें भोजन कराया है, तो वो आपसे भी बड़ी हो गए। इस तरह से जब उकसाया गया, बिहारी जी ने अब नागजी भाई को कह दिया, जो उनके द्वार पर रहते थे द्वारपाल के रूप में, कि मिहिर राज जब आए शाम को तो उन्हें अंदर आने नहीं देना। अब जब वो आते हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है, पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ पर है, क्या भूल हुई है मुझसे, तो उनको कहा जाता है कि यदि आपको परमधाम जाना है, यदि आपको धर्म में रहना है, तो आपको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, या तो आप धर्म को चुनिए या आप अपनी पत्नी को चुनिए। अब वहां परिस्थिति ऐसी है
जिसको हम सामान्य बोलचाल में धर्म संकट कहते हैं, क्योंकि पत्नी जिनको छोड़ने की बात की जा रही है उनकी कोई गलती नहीं है, और जिनके लिए पत्नी को छोड़ा जा रहा है उनकी कोई योग्यता नहीं है। पर मिहिरराज जी की दृष्टि न फूलबाई पर है न बिहारी जी पर है, उनकी दृष्टि है लक्ष्य पर, और वो लक्ष्य है जागनी। और यदि वो उस समय फूलबाई का परित्याग नहीं करते, यदि वो बिहारी जी का त्याग करते तो क्या होता? सारा सुंदर साथ बिहारी जी का त्याग कर देता और फिर सुंदर साथ का समाज कहीं ना कहीं बिखर जाता। हो सकता है कि कुछ लोग बिहारी जी का पक्ष लेने वाले होते तो इस तरह से समाज उसी समय दो भागों में बंटता। तो मिहिरराज जी ने अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ सोचा, अपने तरफ से एक बहुत बड़ा त्याग किया कि निरपराध होने के बावजूद भी, बेकसूर होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मैं धर्म के मार्ग को ही चुनता हूँ, मैं फूलबाई जी का त्याग करता हूँ। और फूलबाई जी ऐसी पतिव्रता स्त्री हैं कि उन्होंने अपने पति के निर्णय पर संशय नहीं किया। उनको पता है कि मिहिरराज जी जो कुछ भी करेंगे वो उचित करेंगे। बस उन्होंने एक ही इच्छा रखी कि जब मेरा तन छूट जाए, जब मेरे शरीर को जलाया जाए तो मेरी राख पर अपने चरण कमल रख देना। और उसके बाद उन्होंने भोजन इत्यादि बंद कर दिया और कुछ समय के बाद उन्होंने अपना तन छोड़ा। और उनकी जो इच्छा थी मिहिरराज जी ने पूरी की। और साथ साथ में फूलबाई जी के मन में ये भी इच्छा थी कि मैं अगले जन्म में भी उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूं। और ये हर पतिव्रता स्त्री के मन में ये कामना होती है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मेरे पति ही अगले जन्म में भी पति के रूप में हो। ये हर प्रेम करने वाली स्त्री के मन में होती है। तो अब फूलबाई जी के अंदर जो आत्मा है, उन्होंने तेज कुंवरी जी अथवा जिनको हम बाईजूराज जी के नाम से जानते हैं उनमें प्रवेश किया। और वो कहाँ की हैं? आज जिसको धोरा जी कहा जाता है ये जूनागढ़ के तरफ ही पड़ता है। जब श्रीजी साहेब नजरबंद से निकलने के बाद जूनागढ़ जा रहे होते हैं, और जूनागढ़ में तो लगभग 3 वर्ष रहने का प्रसंग है ना, तो इसी बीच में एक दिन वो मार्ग से गुजर रहे थे, उनको देख करके तेज कुंवर जी ने अपना घूंघट सामने कर लिया और स्वयं को पर्दा किया, जैसे घूंघट करना कहते हैं ना। तो उनके पिताजी ने कहा कि आज तक तुमने किसी पुरुष को देख करके ऐसा नहीं किया, आज ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहती हैं कि ये पूर्व जन्म में मेरे पति हैं। अब वैसे इस बात को सुन करके किसी के मन में जल्दी से तो विश्वास नहीं होगा कि पूर्व जन्म की बात कैसे मालूम होगी, लेकिन जो शुद्ध जीव होते हैं, पवित्र जीव, तो उनको उनके जीव को पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है। तो वो कुछ संकेत बताती हैं कि आप जाकर के उन्हें पूछिए कि उनके साथ जो घटनाएं हुई है, जिसका वर्णन अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, उसको बताते हुए कि ऐसी घटना हुई कि नहीं। पिताजी जाकर के पूछते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है जैसा कि तेज कुमारी जी ने कहा है। अब क्योंकि श्रीजी साहब के अंदर अब तो अक्षरातीत विराजमान है, वो परख जाते हैं कि इनके अंदर वही आत्मा है जो कि पहले फूलबाई जी के तन में थी। अब इस प्रसंग में हमारे समाज में दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा क्या कहती है कि उस समय तेज कुंवर जी की जो उम्र है वो लगभग 7-8 साल की थी, छोटी उम्र थी, और उनके साथ में श्रीजी साहब ने विवाह किया था। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, उम्र का तो वैसे वर्णन किया ही नहीं है, लेकिन एक 7-8 साल की बालिका के मन में ये भाव आना, पति और पत्नी वाला घूंघट काटने वाला, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात कि जो जीव है वो जन्म मरण के बंधन में आता है, आत्मा जन्म मरण के बंधन में नहीं है।
ब्रजमंडल में गोपियां 16 वर्ष की किशोरी थी जब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने उस तन में प्रवेश किया। तो इस हिसाब से सैद्धांतिक रूप से हमें यही मानना पड़ेगा कि तेज कुंवर जी के अंदर फूलबाई जी की जो आत्मा है उन्होंने तब प्रवेश किया जब उन्होंने फूलबाई जी के तन को छोड़ा। और उस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी आयु कम से कम भी 17-18 वर्ष की होगी, तो उनके साथ में विवाह हुआ होता है। और अब ये जो प्रसंग चल रहा है कानजी भाई के द्वारा छुड़ाने का, तो उन्हीं तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहन करके कानजी भाई आते हैं और श्रीजी साहेब को कारागार से छुड़ाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। यहाँ पर रास की वाणी में एक चौपाई आती है क्योंकि दीप गुजरात से सीधे श्रीजी साहेब दीप बंदर जाते हैं। दीप बंदर में भवसागर के माया के संबंधित 5 प्रकरण अवतरित होते हैं। तो वहाँ एक चौपाई आती है कि मैं तृण युद्ध की धा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई वस पोताने करी। मैंने माया से 3 बार युद्ध किया और अंत में माया ने मुझे भी लपेट लिया। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही हैं कि इस माया से संसार में कोई भी नहीं जीत पाया है। फूलबाई जी का त्याग करना था, मेरे लिए परीक्षा थी, मैंने वो भी स्वीकार किया। हबसे में भी गया तब भी मैंने अपना ईमान बनाए रखा, लेकिन जब यहाँ अहमदाबाद में मुझे कारागार में रखा गया था, वहां कानजी भाई के दबाव में मैं, जब कानजी भाई को ये विश्वास हो सकता है कि राज्य कुछ नहीं करने देंगे, तो मिहिरराज जी भी तो विश्वास रख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिहिरराज जी को विश्वास नहीं था, उनको विश्वास था। कानजी भाई ने इतना दबाव दिया कि उनको उनके दबाव के आगे झुकना पड़ा और वेश बदल करके वहां से निकलना पड़ा। और ये इंद्रावती जी की हंसी का कारण बना, क्योंकि ब्रह्मवाणी का क्या कथन है कि चाहे कोई साधारण सुंदर साथ हो और चाहे कोई सिरदारी लेने वाला सुंदर साथ हो, वो हंसी से नहीं बच सकता है। राजी सबके लिए हंसी की लीला का कोई ना कोई प्रबंध कर रहे हैं। सोचिए कि श्यामा जी को बाकी नहीं रखा, श्यामा जी की हंसी कैसे होनी है पता है आपको? देवचंद्र जी के तन से जब जागनी लीला चल रही थी, श्यामा जी कहती हैं, देवचंद्र जी कहते हैं कि यो 69 पातियां लिखी धामधनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। श्यामा जी के मन में ये इच्छा थी कि मेरे द्वारा जागनी हो, जागनी का वो आधार तो बने, लेकिन एक होता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। उन्हें बिन मांगे मोती मिल रहा था, उनके तन से जागनी हो रही थी, 313 आत्माएं उस तन से जाग रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जब डिमांड किया, जब उन्होंने इच्छा की, तो क्या हुआ, जो मिलता हुआ फल था वो भी नहीं मिला। इसलिए उन 313 आत्माओं की जागनी नहीं हो पाई। इसलिए वाणी क्या कहती है, सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध ना है। श्यामा जी के पहले तन को जागने की शोभा नहीं मिली है। तो इस तरह सबकी हंसी होनी है। 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, चाहे कितना भी बड़ा त्याग करने वाला सुंदर साथ हो, सबकी कहीं ना कहीं हंसी होगी। आप बीतक पढ़ करके देखेंगे, आप परमहंसों की जीवनी पढ़ करके देखेंगे, तो हर किसी ब्रह्मात्मा की जीवनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा हिस्सा आपको जरूर मिलेगा जिसको याद करके परम धाम में हंसी होगी कि हमने तो ऐसा किया था। हर ब्रह्मात्मा की, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से अब वहां श्रीजी साहेब कारागार से बाहर निकलते हैं। कानजी भाई का जो प्रसंग है दूसरे बीतकों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि अब कानजी भाई ने कारागार में रहते हुए अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, और जिस दिन फांसी का निश्चित हुआ, मृत्यु दंड का निश्चित हुआ, उस दिन अब राज्य के जोश की शक्ति, क्योंकि उनको रक्षा करनी है, उनके अंदर आती है, और अब वो बहुत जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं और सबको डांटने लगते हैं। उस समय के जो सभी सैनिक तो मुस्लिम थे, तो उनको कयामत का वास्ता दे करके, न्याय के दिन का वास्ता दे करके वो डांटते हैं, खुदा का वास्ता देते हैं, कुरान का वास्ता देते हैं कि तुम
इस्लाम के नाम पर जो कर रहे हो, खुदा के नाम पर जो अत्याचार कर रहे हो, तो जब खुदा काजी बन करके बैठेगा तब तुम्हारा न्याय होगा। अब जब देखा उन्होंने उन सैनिकों ने, कुतुब खान के सैनिकों ने, उनको लगा कि ये तो कोई फकीर है, ये तो कोई सूफी फकीर है, मुस्लिम है, अगर हमने इसको दंडित किया तो हमें खुदा के गुस्से का भागीदार होना पड़ेगा, और उनको छोड़ दिया गया वहां से। और फिर कानजी भाई आकर के श्री जी से मिलते हैं, क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि आए दीप गुजरात से, श्री राज भय फारक, माया पूरी दिखाई के नजर करी तरफ, पूरी माया दिखाई, माया की जो पराकाष्ठा हो सकती थी, देखने में कुछ लग नहीं रहा है, क्या दिखाया, जेल में गए सही सलामत वापस आए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हार करके आए हैं माया से इंद्रावती जी की दृष्टि में। तो उन्होंने पूरी माया अब देखी और राज्य की तरफ नजर किया, और अब यहां से आगे जागनी का कार्य विशेष रूप से प्रारंभ होता है, क्योंकि श्री जी पहुंचे हैं दीप बंदर। अब वहां से जब पहुंचे हैं दीप बंदर, अहमदाबाद से प्रारंभ में तो गए जामराजा के वहां पर, वजीर के वहां, उसके बाद पहुंचे दीप बंदर जहां जयराम भाई रहते हैं। दीप बंदर, बंदर कहते हैं बंदरगाह को, जो सुंदर साथ पहली बार अभी तक सुन रहे हैं, बंदरगाह मतलब जिस तरह से हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट होता है, विमानस्थल, इसी तरह से पानी के जहाजों के लिए, नावों के लिए, जहां पर जहाज से सामान यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाता है, वो है बंदरगाह। तो आज जिसको दीव कहा जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में आता है ना दीव, वही उस समय का दीप बंदर है। अब वहां जयराम भाई रहते हैं, जो कांसे के बर्तन बनाया करते, इसलिए उनको कंसारा कहा जाता है। कांसे का बर्तन तो आपको पता ही होगा, और उस समय ये सब कैसे किया जाता था, हथौड़े से, एहरन से, जैसे पुराने समय में लोहारों का काम होता था वैसा ही। तो जयराम भाई कंसारा के घर पर पहुंचते हैं, पहुंच करके पहले तो लोक व्यवहार से कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं कि मिहिरराज जी कहाँ से पधारे हैं, किस कार्य के लिए पधारे हैं। अब मिहिरराज नहीं है, भले ही जयराम भाई मिहिरराज के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अब वो मिहिरराज नहीं है। अब क्या कहा श्री जी ने कि तब जवाब श्री जी ने दिया, हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हारे लिए आए हैं, हमें राज जी ने भेजा है, और वो राज जी कौन, मूल स्वरूप के लिए। और राज जी ने क्यों भेजा, ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, कि माया के बारे में बता करके सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालने के लिए मुझे राज जी ने भेजा है। और अब चर्चा होने लग गई श्री देवचंद्र जी की बीतक से लेकर के, श्री देवचंद्र जी के धाम गमन से लेकर के आगे की सारी बीतक को बताते हैं, और कहते हैं कि तुम तो किसके साथी थे, तुम साथी श्री देवचंद्र जी के, तुम तो देवचंद्र जी के साथी थे, और तुम्हारे दिल में श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान की रोशनी फैलाई थी। कहते हैं कि कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई, तुम्हारे पास तारतम ज्ञान था पर तुमने वो ज्ञान किसको बताया, ऐसे कौन से सुंदर साथ को तुमने माया से बाहर निकाला, तुम साथी श्री देवचंद्र जी को, नूर रोशनी न दिल में ले आई, देवचंद्र जी ने जो तुम्हारे हृदय में रोशनी दी थी वो तुमने दिल में नहीं लाई। हम सेवा पूजा में कहते हैं तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, अब श्री देवचंद्र जी ने सतगुरु के रूप में हृदय को रोशन किया था, तुमने उस रोशनी को बरकरार नहीं रखा, तुमको ऐसा ना चाहिए, घर बैठो एती अंधेर, तुम्हें इस तरह से घर में बैठना नहीं चाहिए था, माया के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर, कि एक बार राज्य की पहचान होने के बाद ब्रह्म सृष्टि का क्या कर्तव्य है, कि बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जो अखंड के साथी होंगे, वो एक शब्द सुन करके भी समर्पित हो जाएंगे, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि तुमने न एक बार घर पे, न एक बार हमें पत्र लिखा,
श्री देवचंद्र जी का धामगमन हुआ तब भी तुम नहीं आए, बिहार जी को गादी पर बैठाया गया तब भी नहीं आए, और तुम तो माया में इस तरह से मिल गए हो जैसे कि तुम अनादिकाल से यहीं के हो। हमारी ये हालत है, ये जयराम भाई कंसारा के लिए नहीं है। जयराम भाई कंसारा को एक बार प्रबोधा, वो इतने अडिग हो गए ईमान में कि जब परीक्षा ली जाती है तो कहते हैं एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग। हम भी जयराम भाई कंसारा की तरह ही हैं। हम सब अपने अपने बर्तन बना रहे हैं, हम सब के अपने अपने हथौड़े हैं। वो कंसारा थे तो उनके पास हथौड़ा और अहरन था। हम अपना अपना काम करते, हमारे हथौड़ा अहरन भिन्न तरह के हैं, पर हम सब जयराम भाई हैं। और जयराम भाई तो कम से कम एक बार में चेत गए, एक बार श्री जी की चर्चा सुनी और उनको पहचान ऐसे हो गई कि उन्होंने मिहिर राज जी को नहलाया और श्री राज को भोग लगाया। मिहिर राज जी को भोजन कराते समय उनके मन में यह भाव है कि हम राज जी को खिला रहे हैं, ये पहचान उनको हुई। लेकिन हम तो यही भी तक कितने वर्षों से सुन रहे हैं, और इतने वर्षों में भी यदि हमारी जागृति नहीं हो पाती है, यदि हम अपना हथौड़ा और अहरन नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर हमें इस तरह से बीतक सुनने का कोई लाभ नहीं है। श्री जी कहते हैं मिल गए माया मिने, जाने अनादि के इत, हम कबहू न जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। आपको तो ऐसा लग रहा है कि हम परम धाम कभी वापस जाएंगे ही नहीं। वाणी क्या कहती है, तुम आइया छल देखने, भील गईया माहे छल, छल को छल न लागही ओ लहरी ओ जल। आपको ऐसा लग रहा है कि आप छल देखने नहीं आए हो, आप तो छल से ही उत्पन्न हुए हो, माया से ही उत्पन्न हुए हो, आप तो देवचंद्र जी के साथी हैं, ब्रह्म सृष्टियों की जो जमात है उस गिरोह के साथी हैं, और आपको तो माया में इस तरह से डूबना नहीं चाहिए था। इस तरह से खंडनी के वचन कहे और एक दृष्टांत दिया, कहते हैं कबलो कासा कुटेगा कबलो हथौड़ा एहरन। आप कब तक कासा कूटते रहोगे, कब तक हथौड़ा और एहरन चलाते रहोगे, कबलो घर बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। अब तो कयामत का समय आ चुका है, अब अंतिम समय आ चुका है, अब जागने का समय आ चुका। कयामत मतलब महाप्रलय नहीं है, कयामत शब्द बना है कियाम से, उसका अर्थ होता है अखंड होना। तो अखंड के ज्ञान का जाहिर होने का समय आ गया है, और अब भी आप अपने घर पर बैठे हो हथौड़ा और अहरन करते हुए, और इस संसार में आप अहरन हथौड़ा चला चला करके कितना भी धन कमा लें, आपकी उससे तृप्ति नहीं होने वाली। कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार, यहाँ आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई है। लोगों को लगता है कि इससे तृप्ति मिलेगी, लेकिन मृग तृष्णा के जल की तरह, मृग जल को देखते हुए हिरण की तरह हमेशा वो भागते रहते हैं, और वो जल उतनी ही दूरी पर दिखाई देता रहता है, कभी वो पानी तक नहीं पहुंच पाते। एक बच्चा जब स्कूल में जाना प्रारंभ करता है, थोड़ा शांति बनाए रखिए, एक बच्चा जब स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो उसको कहा जाता है कि जब तुम कॉलेज जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा, क्योंकि उस समय कोई होमवर्क चेक करने वाला नहीं होगा कॉलेज में। लेकिन जब कॉलेज में जाता है तब तक उसको जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, उसको लगता है कि कोई होमवर्क चेक करे या ना करे, अगर हमने पढ़ाई ढंग से नहीं की तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी, जॉब ढंग से नहीं लगेगी। इसलिए कॉलेज में बस 5 साल पढ़ाई कर लो, बैचलर और मास्टर्स के 5 या 6 साल, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद होगा, नौकरी लग जाएगी तो फिर मजे ही मजे होंगे। उसके बाद फिर लगता है कि नहीं, नौकरी लगने के बाद पता चलता है कि अगर हमने पूरी मेहनत नहीं की तो क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं होगा। इसलिए अब लगता है कि नहीं, जब तक नौकरी है, जब तक रिटायरमेंट नहीं मिल जाती तब तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, रिटायरमेंट तक जॉब में मेहनत कर लो, उसके बाद शांति से रिटायर होंगे आराम से। और ऐसा करते करते जब तक रिटायरमेंट आ जाती है तब तक तो शरीर ऐसा शिथिल हो जाता है, इस तरह से जर्जर हो जाता है कि अब आपने पूरे जीवन भर कमा करके जो धन संचय किया है उसको भोगने का भी उस हालत में भी नहीं होता है शरीर। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो शांति बाहर कहीं नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलती है।
उस शांति के पीछे मनुष्य बाहर भटक रहा है और उसको क्या लगता है कि जैसे श्री जी ने दृष्टांत दिया जो कि कोई न अघाय इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार, जैसे कुत्ता होता है वो सूखी हड्डी चबाता है, जब हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़े से खून निकलता है, खून निकल रहा है मसूड़े से, तो उसको क्या लग रहा है कि हड्डी में से रस आ रहा है और उस रस को चख करके वो सोचता है कि आहा क्या रस है। लेकिन वास्तव में क्या है, वो खून उसी का है जिसको पी करके उसको लगता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है। इंसान ऐसा ही करता है। इसके साथ तुलना करना हो कुत्ते के साथ तो इंसान की तुलना कैसे करेंगे कि एक इंसान खूब मेहनत करता है, 8 घंटे की जगह पर ओवर टाइम करके 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे 16 घंटे काम करता है और पैसे जमा करता है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाता, पैसा कमा रहा है, लेकिन 8 के जगह पर जब 14 घंटे मेहनत करता है तो शरीर तो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। आज जवानी है लेकिन धीरे धीरे वो जवानी हमेशा नहीं रहती है, तो जो जरूरत से ज्यादा की गई मेहनत शरीर पर दिखने लगती है, बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ा तो वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में, लेकिन क्योंकि उसने परिश्रम करके पैसा जमा किया है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएगा। वहां के आजकल तो हॉस्पिटल भी जो प्राइवेट है वो होटल की तरह बन गए हैं ना, अच्छे से बढ़िया से टीवी से लेकर के सोफा ड्राइंग रूम सब वहां पर मिलते हैं, तो सारी सुविधाएं वहां होती है। अब वो व्यक्ति वहां पर अपने प्राइवेट कमरे में जो वीआईपी होता है कमरा, जो थोड़ा महंगा होता है, उस पर ठहरा होता है, अपने बिस्तर पे पड़ा है, बीमार बिस्तर पर है, लेकिन क्या सोचता है कि देखो अगर मैंने मेहनत नहीं की होती, अगर मैंने पैसे नहीं जमा किए होते तो मैं कहाँ इस तरह से इतने शानदार अस्पताल में अपना इलाज करा पाता। भाई वो शानदार अस्पताल में इलाज तुझे इसीलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि तूने उसी पैसे को कमाने के लिए शरीर को बीमार किया है। शरीर को बीमार करके पैसा कमाओ और फिर उसी पैसे से बीमार शरीर को ठीक करो, ये चक्र चलता है उसी कुत्ते की तरह कि हड्डी को चबा करके खून निकालो अपने मसूड़े का और उस मसूड़े के खून को पी करके सोचो कि हड्डी से रस आ रहा है। तो श्री जी ने दृष्टांत दिया जयराम भाई कंसारा को कि कब तक इस तरह से करते रहोगे, किसी की भी तृप्ति इससे नहीं होने वाली। कहते हैं एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, इंद्रियों के स्वाद के पीछे पूरा संसार लगा हुआ है। मनुष्य 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया कर और 5 कर्मेंद्रिया, स्वाद जो है वो ज्ञानेंद्रियों का है क्योंकि स्वाद का ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियों से ही जाएगा। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 स्वाद हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। उन 5 रस के पीछे ही पूरा मनुष्य भटकता है, पशु नहीं भटकते। पशु में एक एक स्वाद होगा या ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन मनुष्य 5 स्वाद में। मनुष्य को कान का भी स्वाद चाहिए, अच्छे से अच्छा संगीत चाहिए, किसी की मधुर आवाज पर वो आकर्षित होता है। मनुष्य को अच्छे से अच्छा स्वाद चाहिए जीभ का, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, आंखों को सुंदर दिखना चाहिए, रूप चाहिए, नासिका को अच्छी सी सुगंधी चाहिए। बाकी प्राणियों में ऐसा नहीं है। ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया और एक दृष्टांत दिया कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरे व पंच। कुरंग मतंग पतंग भृंग और मीन, ये 5 प्राणी हैं। एक है हिरण, हिरण को कहा जाता है कि ध्वनि संगीत उसको प्रिय होता है, तो कहते हैं कि उसको पकड़ने के लिए पुराने समय में, क्योंकि दृष्टांत पुराना है आज के हिसाब से भी समझ सकते हैं, तो पहले जो शिकारी होते थे उनका ग्रुप होता था, वन में जाकर के सितार इत्यादि की ध्वनि बजाता था, तो हिरण उसको सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाता था और एक जगह पे ऐसे खड़े होकर के आंख बंद करके कान खड़े करके वो सुनता था और शिकारी उसको तीर मार करके समाप्त कर देता था। कान के वशीभूत होकर के हिरण ने अपने प्राण गंवाए। एक हाथी,
हाथी को हथिनी का स्पर्श चाहिए तो उसको पकड़ने के लिए लोग अलग अलग उपाय करते थे। कुछ लोग पालतू हथिनी को लेकर के जाते थे, एक जगह पर छोड़ देते थे, वो हथिनी को देख करके पागलों की तरह आता था, लेकिन विडंबना ये होती थी कि शिकारी उस हथिनी के पास सामने एक गड्ढा बना करके रखते थे। गड्ढा खोद करके उसके ऊपर से घास पतवार से ढक करके मिट्टी डाल देते थे, लेकिन हाथी उस गड्ढे में गिर जाता था। जिस हाथी को बाहर रहने पर 10 लोग मिलकर के भी एक साथ नहीं बांध सकते, वो एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के ऐसे बंध गया कि अब एक व्यक्ति उस पर कंट्रोल करता है और सर्कस में नाच तक नचाते हैं। या तो उसके दांत को बेच दिया जाता है और बाकी हाथी को सर्कस में भेजा जाता है, या फिर उससे भार उठवाया जाता है, जबकि अगर वो इंद्रिय के वशीभूत नहीं होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको मार देते। इसी तरह से पतिंगे को अंधकार प्रिय होता है, तो जहां वो प्रकाश दिखेगा उसको बुझाने जाता है, तो वो दिए में, दीपक में, मसाल में खुद को झोंक देता है और मर जाता है। तो एक इंद्रिय के वश में वशीभूत होकर के वो भी मर जाता है। भंवरे को सुगंध प्रिय होता है, तो पराग लेने के लिए वो अलग अलग फूलों में बसता है। अब जैसे मान लो कि ये फूल है, कोई बड़ा वाला फूल हो, भंवरा इसमें बैठा हुआ है पराग चूसने के लिए, सुगंधि के लिए। शाम के समय में फूल मुरझा रहे होते हैं, मतलब बंद हो रहे होते हैं, तो भंवरे को क्या लगता है, थोड़ी देर और। ऐसा करते करते फूल बंद हो जाता है कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार ऐसा होता है। और भंवरा क्या सोचता है अंदर, भंवरे के दृष्टांत को देते हुए किसी ने लिखा कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी और सुप्रभात होगा। भानु उदयस्यति हसिष्यसि पंकजश्री, भानु उदयस्यति सूर्योदय होगा और पंकज कहते हैं कमल को, कमल का फूल खिलेगा और जैसे फूल खिलेगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन इतने में क्या होता है, हाथी जैसा या कोई बड़ा जो जानवर होता है जो तालाब के अंदर घुस जाता है, हाथी के लिए तो कमल क्या है, वो फूल थोड़ी सोचेगा, वो तो उसके लिए तो खाने की चीजें घास समझ करके वो खा जाता है। तो भंवरा भी उसके साथ साथ उसके पेट में चला जाता है। तो इस तरह से एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के भंवरा भी मारा गया। और मछली को पकड़ने के लिए लोग चारा डालते हैं, मछलियां इकट्ठी होती है और उसको लेके जाते हैं, या जो जाल फेंकते हैं ना, दोनों तरह से कांटे में भी चारा डालते हैं, कांटे में मछली फंसती है और जाली में भी कुछ इसी तरह से फंसाया जाता है, तो जीवा के वशीभूत होकर के मछली मरती है। पर ये पांच अलग अलग प्राणी अलग अलग इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, मनुष्य का क्या होगा, क्योंकि वो तो पांचों इंद्रियों के स्वाद के पीछे है। और इन इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में अब जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप फिर खाना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इंद्रिय जब आप खाएंगे तो स्वाद तो आएगा ही। आज दोपहर में सबने स्वादिष्ट भोजन खाया है तो क्या खाना बंद कर दें, नहीं। स्वाद लेना गलत नहीं है, पर आप अगर स्वाद के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि अपने मूल लक्ष्य को ही भूल रहे हैं तो वहां से गड़बड़ी शुरू होती है। भोजन करना गलत नहीं है, पर भोजन के पीछे आप इतने पागल हो जाते हैं कि स्वाद लेने के लिए आप पाप कर्मों में शामिल होते हैं। जैसे साधारण रूप से जीवन यापन करने के लिए जिस भोजन की आवश्यकता है उसको हर व्यक्ति आराम से ईमानदारी से कमा सकता है, लेकिन बेईमानी की जरूरत कब पड़ती है, जब लालच हो। साधारण भोजन के लिए बेईमानी का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर जब लालच आता है मन में तब वो बेईमानी का काम करता है। तो इस तरह से इंद्रियों के वशीभूत होकर के मनुष्य पाप कर्म करता है और उन पाप कर्मों का फल क्या होगा कि एक प्रमादी स कथम न हन्येत यस सेवते पंचभिरेव पंच, इंसान तो पांचों इंद्रियों का सेवन करता है उसका क्या हाल होगा। इसीलिए कहते हैं एह इंद्रियन के स्वाद को लागा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। ये तो माया के जीव है, ये मोह का काम करे तो समझ में आता है तुम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो करके जो कि मोह से उत्पन्न नहीं हुई है, ये संसार के जीव मोह से ही उत्पन्न हुए हैं, पर
तुमसे माया जीव से एता भी न होए फर्क। आप में और माया के जीव में फर्क कितना होना चाहिए था, श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गर्क। आपको तो राज्य के जिक्र में, राज्य के वर्णन में हमेशा डूबे रहना चाहिए था। किसी फकीर ने कहा कि अगर आप अकेले हो तो खुदा से बात करो, अगर आप किसी के साथ हो तो खुदा की बात करो। तो आपको तो राज्य की बात करना चाहिए था, राज्य के प्रेम में मग्न होना चाहिए था, लेकिन उसकी आपको सुगंधि भी आपके अंदर नहीं दिखती है, नाम मात्र भी ऐसी निशानी नहीं है। सो बोए ना आवत तुम में ना चर्चा ना चितवन। ना आपने कभी चर्चा की, ना कभी चर्चा में शामिल हुए, तारतम लेने के बाद न कभी जामनगर आए, श्री देवचंद्र जी के धामगमन के समय में भी नहीं, बिहारी जी के गादी पर बैठाए जाने के समय में भी नहीं। और कहते हैं ना ना चर्चा ना चितवन, ना साथ मिलावा सैयन, ना दिल को किया रोशन, ना आप सुंदर साथ से मिले और ना आपने अपने दिल को प्रकाशित किया। ये कुछ ऐसे काम है जो सुंदर साथ को करने चाहिए। इसीलिए श्री जी ने जयराम भाई के माध्यम से हम सबको समझाया कौन कौन से काम, चर्चा, चितवनी, सुंदर साथ से मिलना और स्वयं के दिल को प्रकाशित करना। आजकल तो थोड़ा सा ना माहौल बिगड़ा हुआ है। माहौल कैसे बिगड़ा है कि जहाँ कहीं चर्चा वगैरह हो रही होती है, सुंदर साथ को लगता है कि YouTube में तो आ ही जाएगा, देख लेंगे, इसलिए कार्यक्रमों में सुंदर साथ का आना जाना थोड़ा कम हुआ है। पर वास्तव में आप शब्दों को YouTube से सुन सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ का मिलना जो कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में दुर्लभ है। कहते हैं धाम माहे मेलो सदीवे पण दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तो हम हमेशा से साथ में हैं ही, पर इस माया के संसार में ब्रह्म सृष्टियों से मिलना दुर्लभ है। और ऐसे कार्यक्रम ही ऐसे मौके होते हैं, ऐसे अवसर होते हैं जहां पर सुंदर साथ का मिलना होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि चर्चा, चितवनी और सुंदर साथ से मिलना ये प्रत्येक सुंदर साथ के लिए कंपलसरी है। जब ये बात बताई जाती है जयराम भाई कंसारा की अवस्था क्या होती है, हमारे जैसे बेशरम थोड़ी हैं, हमारे जैसे कठोर भी नहीं है। कहते हैं ए वचन सुन के रोइया, इन वचनों को सुनकर के जयराम भाई रो पड़ते हैं और कहते हैं भूल मानी अपनी सब, अपने भूल को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है, भूल होना बड़ी भूल नहीं है, भूल को स्वीकार न करना बड़ी भूल है। और जयराम भाई ने अपने भूल को स्वीकार किया और कहा मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। अब मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ कि मुझसे कुछ नहीं हुआ, हमको इन माया मिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। माया का काम करते हुए हम सच में राज्य को भूल गए, ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान। हमने अपने निस्बत को भी नहीं देखा, हमने न अपनी पहचान की न राज्य की पहचान की। अगर हमारे अंदर ईमान की थोड़ी खुशबू होती, अगर राज्य के प्रति नाम मात्र को भी विश्वास होता, तो कहते हैं ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोए होती ईमान। अगर नाम मात्र को भी राज्य पर विश्वास होता तो हमसे इतनी बड़ी भूल नहीं होती। अब मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ने देखिया हम तो डूबे संसार में। कहते हैं कि राज्य ने अब अपनी मेहर से आपको हम तक भेजा, राज्य ने हमारी गलती नहीं देखी। हम अर्जी में कहते हैं ना पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी हम जैसी तुम जिन करो, है कि नहीं। राज्य आप जैसे हैं आप उस तरह से करना, हमें देख करके मत करना। इसका भाव क्या है कि हम आपको भूल गए हैं तो उस हिसाब से आप हमें मत भूलना, ये अर्जी है। वैसे तो राज्य कभी भूलेंगे नहीं, राज्य हमेशा अपना प्रेम निभाते हैं। हम वैसे कहते हैं ना कि जारे धनी धनवट करे, धनी धनवट का अर्थ क्या होता है, धनी पति को कहते हैं, धनवट मतलब पति पना। जब हमारा पति अपना पति पना दिखाता है अर्थात पति होने का फर्ज निभाता है, वो हमेशा निभा रहा है। कमी कहां पर होती है कि हम अपने तरफ से उसको स्वीकार नहीं कर पाते, राज्य की कृपा हम पर पल पल बरस रही है। यहाँ
जिस प्रकार जयराम भाई कंसारा की बात हो रही है, राज जी ने हमारे अवगुण को भी नहीं देखा। हमने कई बार इस वाणी को सुना होगा कि करनी तुम्हारी मेरी में तौली जैसे सत असत। राज जी और हमारी करनी कैसी है? सत्य और असत्य जैसी। उनकी करनी सत्य की है और हमारी असत्य है। पर राज जी ने कैसा किया? अपने हिसाब से ही किया। हम तो राज जी को बार बार भूल रहे थे, पर राज जी ने अपनी करनी कभी भी नहीं छोड़ी। और यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि राज जी ने हमारे अवगुणों को नहीं देखा। हम सबकी अवस्था ऐसी है, कहीं ना कहीं हम सब जयराम भाई की तरह ही माया में डूबे थे, लेकिन राज जी ने किसी न किसी को माध्यम बना करके हमें अपने पास बुलाया है। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो सामने से चल करके आया हो कि राज जी हम आपके पास आए हैं। हमारे पास ही राज जी आए हैं किसी न किसी रूप में। तो अब आगे क्या कहते हैं कि इन भात की चर्चा भई सब मिला घर का साथ। अब पूरे घर के सुंदर साथ मिलकर के चर्चा सुनते हैं। सब आए चरणों लगे जो धनी पकड़े हाथ। धामधनी ने जिनका हाथ पकड़ा है, अब वो सभी घर के लोग आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या राज जी किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी का छोड़ते हैं? ऐसा है क्या? इस चौपाई के आधार पर, और ये एक जगह नहीं है, अनेक जगह पर बीतक की अंतिम चौपाई तक जाके धनी पकड़े हाथ में समाप्त होती है। एक जगह पर नहीं है, तो इसका भाव क्या है कि राज जी किसका हाथ पकड़ते हैं? जैसे कहावत कही जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा है उसको तिनके का सहारा काफी है, लेकिन डूबते हुए व्यक्ति को अगर हाथ दिया जाए तो वो तो मोर देन इनफ, काफी से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप डूब रहे हैं, आपके पास कोई बचाने वाला आता है और आप अपना हाथ पीछे करते कि नहीं दे रहा, तो राज जी हाथ दे करके क्या करेंगे? हमें अपना हाथ राज्य की तरफ बढ़ाना है। जो राज्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, राज्य ने तो अपने अपनी अनंत भुजा हमारे तरफ हमेशा कर रखी है। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो राज्य 10 कदम हम तक आते हैं। हम एक बार याद करते हैं, राज्य 10 बार जीजी करते हैं। क्या कहते हैं कि मैं लिखा है तुमको जो एक करो मुहे साध, तो 10 बेर में जीजी करूं कर कर तुम्हें याद। जयराम भाई कंसारा ने राज जी की तरफ अब हाथ बढ़ाया, राज जी ने पकड़ लिया। एक कहावत कही जाती है कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। हम भी तो राज जी की तरफ आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि राज जी किसी पर मेहर करते हैं, किसी पर नहीं करते। मेहर कैसे होती है? वाणी कहती है कि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, पर ये दो माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। राज जी की कृपा उस वर्षा की तरह है। सावन के महीने में अगर बाहर वर्षा हो रही है तो ऐसा नहीं कि किसी घड़े में पानी जाएगा, किसी में नहीं जाएगा। बादल जब बरस रहा है तो सबके लिए है, लेकिन अगर किसी ने अपना घड़ा ही उल्टा करके रखा है, तो किसी ने अपने घड़े में छेद करके रखा है, तो किसी के घड़े का मुंह छोटा है, तो जिसमें अगर घड़े का मुंह आसमान की तरफ है और मुंह भी बड़ा है तो ज्यादा पानी जाएगा, पर मुंह छोटा है तो कम पानी जाएगा। और पानी जाने के बाद भी अगर छेद है उसमें, तो जो गया हुआ पानी है वो भी निकल जाएगा, और जो उल्टा घड़ा है उसमें तो पानी बाहर ही बाहर रहेगा। हम सबकी अवस्था अलग अलग है। किसी ने तो अपनी करनी के माध्यम से, अपनी रहनी के माध्यम से अपने हृदय रूपी पात्र को ऐसा बना रखा है कि राज जी की मेहर उस पर समाती जाती है। कई ब्रह्मात्मा ऐसी हैं जिन ब्रह्मात्माओं का नाम पितक में बार बार आता है, वे वैसी ब्रह्मात्मा हैं। कई ब्रह्मात्मा ऐसी हैं जिन्होंने मुंह थोड़ा छोटा रखा है, अर्थात समर्पण थोड़ा कम किया है, जिससे कि मेहर तो हुई है पर लालदास जी की तरह, छत्रसाल जी की तरह, केशवदास जी की तरह नहीं है। उनका समर्पण कुछ कम है पर हमसे फिर भी ज्यादा है। मैं तो केवल समझने के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं, पर हमसे तो फिर भी ज्यादा ही है। तो इस तरह से जिनकी तरफ हम जब राज जी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो राज जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि राज जी किसी का तो हाथ पकड़ रहे हैं और किसी का छोड़ रहे हैं। अब इस तरह से चर्चा हुई जाते ही, और उसके बाद कहते हैं आदर रसोई का किया नहवाए श्री महाराज।
रसोई के लिए बुलाया गया, क्योंकि अब चर्चा हो चुकी है काफी देर से, भोजन का समय हो चुका है, तो उनको कहा कि अब भोजन का समय हो गया है, भोजन से पहले श्री जी को स्नान करना है। तो स्नान कराते हैं सुंदर साथ, अब स्नान किसका कराया जा रहा है, शरीर का, तो इसलिए कहा गया नहवाय श्री मेहराज, मिहिरराज जी को स्नान कराया गया। बैठाए रसोई मिने अरुगाए श्रीराज, अब जब उन्हें रसोई के लिए भोजन के लिए बैठाया गया तो सुंदर साथ ने ये भाव लिया कि हम राज जी को भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाने के बाद सबने प्रसाद लिया, और कहते हैं प्रसाद सबों ने लेके करी पौढ़ने की अरज, भोजन ले लिया सबने, तो कहते हैं श्रीजी साहब आप इतनी दूरी से चल करके आए हैं, आते ही इतनी देर चर्चा भी की, अब भोजन के बाद आप कुछ थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कहते हैं हम न आए पौढ़ने, हमारी तो और गरज, मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी तो कोई और इच्छा है, और वो इच्छा है सुंदर साथ की जागनी, तो मैं यहाँ अभी आराम करने नहीं आया, तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज, मैं तो तुम्हें माया से निकालने आया हूँ, अब तुम राज्य को याद करो, माया को छोड़ो, और जिस तरह से ब्रजमंडल में हमने अपना पांव भरा था, ब्रजमंडल में हमारी रहनी थी, उस ब्रज की रहनी को याद करो, किस तरह से कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, ब्रज में तुम्हारा प्रेम राज्जी के साथ कैसा था, राज्जी तुमसे कैसा प्रेम करते थे, और माया का सारा काम करते हुए कैसे करते थे। आज तो हम पांच लोगों के परिवार में रहना होता है तब भी बहाना होता है, कहते हैं कि चितवनी कर रहे हैं या वाणी पढ़ रहे, तो कहते हैं कि क्या करें, बच्चों को सुबह उठ करके उनका टिफिन बनाना होता है, खाना बनाना होता है, हमारे पति परमेश्वर के लिए ऑफिस के लिए तैयारी करवानी होती है। पुरुष होंगे वो कहेंगे कि हमें सुबह सुबह उठ करके तैयार होकर के जॉब पे जाना होता है, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है। ब्रजमंडल में भी कम काम नहीं था, संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली, 12-12, 15-15 लोग रह रहे हैं, और हर घर में दर्जनों गायें हैं, उन गायों को दूध निकालना, हर दिन दही जमाना, मथना, उनको बाजार में लेकर के जाना, बेचना, घर पे पानी भी लाना हो तो यमुना जी से लेकर के आना, आज तो मोटर चलाया घर पे आ गया नल पे, कुछ नहीं करना, लकड़ी बीन करके लाना और उन लकड़ी पे भोजन पकाना, आज तो घर घर में सिलेंडर है, और शहरों में तो अगर बनाने का मन नहीं है स्विगी जोमैटो कर लिया, घर पे खाना आ गया खा लिए, और मन है तो भी बहुत सुविधाएं हैं, आज पिसा पिसाया आटा मिल जाता है, बना बनाया राशन मिल जाता है, रेडी टू ईट बहुत सारे खाने मिलते हैं कि आपने गर्म पानी में डाला और खाना तैयार हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत है, और उस समय सुबह उठ करके खुद चक्की में आटा पीसना है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन कहते हैं कि बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज के चरण, हम जब घर पे भी होते थे तब भी राज जी के चरणों में चित्त होता था, हिरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन, अगर चल रहे होते थे इधर उधर फिर रहे होते थे, कोई छोटा मोटा काम करते थे, तब भी हम राज जी के प्रेम में मगन होते थे, राज जी के बिना और किसी की आस ही नहीं रहती थी, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग रहते थे, कर्तव्य सारा निभा रहे हैं पर उनसे मोह नहीं रहता था हमारा, हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम खेल देखने आए हैं पर हमारा मोह का बंधन इतना तगड़ा है, इतना ज्यादा है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमारी ही मकड़ जाल है और हम उस मकड़ जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते, हमें मकड़ जाल में नहीं फंसना है, हमें कैसा करना है, ये नाटक है, हम गायन में तो कहते हैं तू देख नाटक नीमक को अब करे कहा विचार, ये नाटक है, इसमें हमें भी नाटक ही करना है, कैसा नाटक, अगर कोई पुत्र है तो पुत्र होने का नाटक निभाइए, अगर कोई पति है तो पति होने का नाटक निभाए, पत्नी है तो पत्नी होने का नाटक निभाए, बेटी है बेटा है जो कोई भी है नाटक करें, मैं ढोंग नहीं कह रहा मैं नाटक कह रहा, और नाटक कैसा होता है, सबसे अच्छा कलाकार कौन होता है पता है, जिसकी कलाकारिता में पता ही ना चले कि नाटक कर रहा है, मतलब हम इतने अच्छे से माया का भी काम करें, इतने अच्छे से माया के कर्तव्य को भी निभाएं, लेकिन डिटैच हो करके,
अर्थात उससे हमें संबंध नहीं रखना है, कर्तव्य निभाना है। ये वैसे ही है जैसे उदाहरण के लिए हमें अपने घर को कैसे संभालना है। आपने अगर किसी ट्रेन में 3 दिन की यात्रा करनी हो तो आप क्या करते हैं, उस ट्रेन की सीट को आप साफ सुथरा रखते हैं, उस कंपार्टमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन जब आप उतर रहे हैं तो आपको मोह थोड़ी होता है कि अरे मैंने 3 दिन तक साफ सफाई की थी, अब मैं छोड़ के कैसे जाऊं, सीट को लेके जाता हूं। ऐसा होगा नहीं होगा ना, आपको मोह ही नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 3 दिन के बाद तो छूटना है। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ थोड़ी सी लंबी अवधि है, ये हमारा अपना घर नहीं है। इसको आप समझ लीजिए कि ये हमारा जाति मकान नहीं है, यहाँ सब किराएदार है, कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जब आप ये मान करके चलेंगे तो आप हमेशा डिटैच रहेंगे, आप जल से कमल की भांति हमेशा कीचड़ से अलग रहेंगे। तो ये बात हमें ब्रज के दृष्टांत से श्री जी समझा रहे हैं। कहते हैं कि कोई न लगता तुमको इन माया को नेम, आपको माया के नियम कभी भी नहीं लगे क्योंकि आप कभी अंदर से उस माया से जुड़े ही नहीं थे। सास ससुर पति बच्चे सबको संभालते थे, सबसे स्नेह भी रखते थे, कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया, और फिर भी आपको इतना प्रेम था राज जी से कि एक बार बांसुरी बजी और छोड़ के निकले। आज क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज मान लीजिए एक उदाहरण के लिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ राज जी प्रकट होकर के कहें अचानक से कि चलो किसी एक को, किसी को भी, हाँ हम में से किसी को भी, कोई भी हो सकता है, हमें कहा जाए कि चलो परमधाम, अभी के अभी चलने के लिए कोई तैयार है, हम क्या कहेंगे कि अच्छा एक बार रुकिए। किसी के मन में आएगा कि मम्मी को कॉल करके बता दें कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, किसी के मन में रहेगा कि हम अपनी प्रेमिका को कॉल करके बता दें कि मैं राज्य के साथ जा रहा हूँ, किसी के मन में रहेगा कि अपने बच्चों को बता दें कि बच्चों खाना बना करके खा लेना, हम तो राज्य के साथ जा रहे हैं। पर पहला थॉट ये नहीं आएगा कि चलो। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई योग माया की भूमिका में पहुंच करके, तो गोपियां कोई भी किसी से पूछने नहीं गई कि बांसुरी बज रही है जाएं आपका खाना वाना हो गया हो तो, नहीं। और ये डिटैचमेंट कैसे आया, क्योंकि पूरे 11 साल तक उन्होंने इसी तरह से किया, सारे काम करते हुए भी चित्त जो है वो राज्य के चरणों में रहते थे। इसीलिए ये संभव हुआ कि तो फेर आए जब रास में, किया गौपद वत संसार, नजरों कछु न आइया आड़े परवरदिगार। अगर ब्रज में वैसा प्रेम नहीं होता राज जी से, अगर ब्रज में डिटैच नहीं होते तो रास में गौपद वत संसार नहीं होता, फिर उनको भी माया छोड़ने में तकलीफ होती, समस्या होती, और उसके बाद किस तरह से तुमने ब्रज में प्रेम निभाया। ब्रज के प्रेम की भूमिका के कारण, क्योंकि ब्रज में वो भूमिका बन चुकी थी रास में जाने की, इस कारण से योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किए, और वहां पहुंच करके कैसे तुमने नूरी तन धारण किया, किस तरह से राज जी ने उथले वचन कहे, और उस उथले वचन की परीक्षा में भी आप तभी सफल हो पाए जब आपका प्रेम था राज जी से, और उसके बाद किस तरह से आपने वहां पर ब्रज के साथियों के साथ, गोपियों के साथ मिलकर के रास की, प्रेम की, आनंद की लीला की, किस तरह से तुम राज्जी के प्रेम में मग्न हो गए, कैसे राज्जी ने वहां पर अंतर ध्यान होकर के बीच में कुछ पल के लिए विरह की अग्नि दी, इस तरह से उन सारी लीलाओं को तुम याद करो। इस तरह से महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि ये दीप बंदर की बीतक है। आगे और भी लीला का वर्णन कर रहे हैं, अभी तो ब्रज की लीला का, रास की लीला का उन्होंने वर्णन करके सुनाया। सोचिए कि मैं एक साधारण सा मनुष्य जिसकी कोई योग्यता नहीं, लेकिन जब राज्य की कृपा से मैं 2-4 शब्द बोलता हूँ, थोड़े मीठे तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ, तब भी आप सुंदर साथ को किसी किसी को अच्छा लगता है। श्री जी यही चर्चा अपने शैली में सुना रहे हैं, लालदास जी ने चौपाई के रूप में बताया, पर श्री जी कैसे सुनाते होंगे, ये श्री जी की चर्चा है। बीतक में चौपाई भले ही है, पर अगर आपको देखना है कि श्री जी चर्चा कैसे करते थे, तो आप इस प्रसंग को देखिए। ये सब श्री जी के शब्द हैं जिनको लालदास जी ने अपने भाव में चौपाई के रूप में बताया है कि श्री जी ने इस तरह से चर्चा करके सुनाई। तो अभी ब्रज और रास का बताया, इसी तरह से आगे
रास की लीला को ही निरंतर रखेंगे कि कैसे राज जी विरह देने के बाद प्रकट होकर के आगे रास की लीला करते हैं, किस तरह से परमधाम जाते हैं, कैसे परमधाम जाने के बाद भी मनोरथ पूरी न होने के कारण वापस इस खेल में आते हैं और इस खेल में पुनः किस प्रकार से भिन्न भिन्न लीला होती है, ये सारी चर्चाएं करके श्री जी कैसे जागनी करते हैं। फिर दीप बंदर में जयराम भाई की जागनी के बाद अब वहीं पर, क्योंकि जागा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, परख करके, तो जयराम भाई कंसारा की परीक्षा कैसे होती है। उसके बाद दीप बंदर से निकल करके अब्बासी बंदर, मस्कत बंदर, लाठी बंदर, ठट्ठा नगर, इन सभी क्षेत्रों में भी अलग अलग ब्रह्मात्माएं हैं, उन सब ब्रह्मात्माओं की जागनी किस प्रकार से होती है। दीप बंदर से सुंदर साथ जाने नहीं देना चाहते तो यहाँ से निकलने की भूमिका कैसे बनती है, कैसे बहाना बनता है, वो सारी भी तक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। श्री महामत कहे ए साथ जी, ए दीप की बीतक अजू और बहुत है, सो कहूं ग्रहे माफक, सो कहूं ग्रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज, प्रणाम।